लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे रात की उतरी नहीं क्या? ओहो ओहो हो, चलो। अरे लाला, एक तो आप ऊपर से ये सामान टांगा तो क्या ट्रक भी ना चले? चलना है तो चलो, ज्यादा बड़बड़ नहीं, समझे? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बट कहाँ जाने का? जन्नुम में। सिर्फ जाना है कि वापस भी आना है? फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही है तांगे वाले। वापस आना ना आना मेयर हैरी की बेटी ही बताएगी। अरे ओ दरोगा साहब, अगर किसी टांगे वाले पे हाथ भी उठाया ना तो हम सब टांगे वाले अपनी जान पर खेल जाएंगे। ठहरो, किसी को अपनी जान पर खेलने की जरूरत नहीं है। जरा हम भी चलकर देखें कि हैरी की बेटी को हमारी इतनी क्या जरूरत पड़ गई जो अंग्रेज पूरी नहीं कर सकते। चलो। अरे ओ लाला, तुम्हें जन्नुम जाने का था ना? जाओ। अच्छा, तो आप हैं इस महल के मालिक मेयर हैरी की बेटी, जो हमारी बस्ती उजाड़कर हमें घर से बेघर करना चाहता था। जो काम बाप खुद नहीं कर सका वो बेटी से करवाना चाहता है? नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया है तो वो हमने देख लिया। और कोई काम हो तो फटाफट बताओ, धंधे का टाइम हो रहा है। धंधा मुझे मालूम है तुम्हारा। दिन भर टांगे में घोड़े के साथ जुते रहते हो, रात तक कमाई कितनी होती है? जितनी होती है अपने लिए काफी है मेम साहब। घोड़े को दाना मिल जाता है, अपने को खाना मिल जाता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बातों से तो तुम बड़े मगरूर लगते हो। मगरूर नहीं मेम साहब, खुददार। आपकी महल का गुंबद बहुत ऊंचा सही, मगर हमारी खुददारी का कद उससे कम ऊंचा नहीं। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और भी बड़ा बना दिया जाए, अपने बॉडीगार्ड की नौकरी देकर। मुझे आपकी नौकरी मंजूर नहीं मेम साहब। नौकर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से ऊपर नहीं उठ सकता। एक बार फिर सोच लो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। गार्ड्स, अरेस्ट दिस मैन। चाबुक तो अब आपके हाथ में है मेम साहब, कर लीजिए अपने दिल की हसरत पूरी। हसरत तो पूरी तब होगी जब दर्द के मारे तुम चिल्लाकर कहोगे बस। बस थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, बंधा हुआ हूं, भागने वाला नहीं। देख लो कहीं मेरे जिस्म को छलनी करते हुए तुम्हारे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। देख लो। पड़ जाने दो हाथों में छाले, मगर दिल पे जो जख्म है उन्हें तो चैन मिलेगा। जख्मी दिल चैन नहीं पाते मेम साहब, जला करते हैं। अगर ये दिल जला है तो मैं भी तुम्हारे जख्मों को जला दूंगी। मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। इसी नमक के लिए तो हमारे एक महात्मा ने आंदोलन किया था। उस दिन हजारों शहीदों का खून बहकर इस नमक में मिल गया था। आज इसे मेरे जिस्म पे मलकर तुम उन शहीदों के खून को मेरे खून से मिला रहे हो। यह नमक हरामों के जख्मों को जलाता होगा मेम साहब, नमक हलालों के नहीं। ये क्या हो रहा है रूबी बेटे?
इसकी खुददारी का कद बहुत ऊंचा है डैडी, मैं इसे अपने कदमों पे झुकाना चाहती हूँ। ये काम तुम हम पर छोड़ दो। देखो बेटे, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, आज शाम को जनरल डायर तुम्हारे डांस का प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। उस दिन तो लेडी हेलेना ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब मेरी बेटी तुम्हारे घमंड और खुददारी को भरी महफिल में तमाशा बना देगी। कोई कोई हिलेगा नहीं। नमक के इस ढेर में कैसे लग रहा है? जिस्म पर सैकड़ों चिंगारियां फूट रही हैं, लेकिन दिल में हजारों फूल खिल उठे हैं, और हर फूल यही कह रहा है कि लड़ाने चली थी। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। काट के दिखाओ। जो तुम मांग रही हो वो काटने की नहीं, बांटने की चीज है। तो फिर बांटो ना मेरे साथ। मेरे बदन का एक एक तार तुम्हारे लिए तड़प रहा है। इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। फूल तो बना दूंगा मेम साहब, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। बचपन तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ, जवानी शुरू नहीं हुई। बीच में कहीं गड़बड़ हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बताइए, कैसे समझाएं भाई इसे? अरे बेवकूफ लड़की, तुझे नहीं मालूम, कहीं तो कम से निकली ना तो ये 6 फुट का आदमी 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। और अगर मैं कम से ना निकली तो? तो फिर क्या? ये तो गई। चल चल।
मैंने तो तुम्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ पुलिस दौड़ा दी थी। उसकी कोई जरूरत नहीं थी डैडी, जिस मर्दानगी के साथ वो मुझे आप सबके सामने से उठा के ले गया उसी मर्दानगी के साथ वो मुझे बाइज्जत छोड़ गया। एक मिनट, ये सब खराशें कैसी है? ये खराशें मुझे उन कांटों से मिली हैं जो मैंने अपने हाथों से बोई थी। दुबी,